फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फॉर बिगिनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 71, जहां पर हम नरेशन को आगे बढ़ाएंगे। पर उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस लेसन को अच्छी तरीके से वॉच किया होगा, क्योंकि अगर आपने उनको वॉच नहीं किया होगा तो आपको इस लेसन को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो पहले उसको वॉच कीजिए और उसके बाद इस लेसन को देखिए, आपको सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट के कॉलम आते थे तो इनडायरेक्ट करते समय उन्हें कैसे बदला जाता था। आज उसी लेसन को आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर बात डायरेक्ट स्पीच की हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वेरी या सैर लिख के आ जाए तो उसको कैसे बदला जाएगा। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके सामने आज फिर से एक कॉलम बनाने जा रहा हूँ, जहां पर एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, ये डायरेक्ट, और दूसरी तरफ मैं लिखने वाला हूं क्या, यहां पर इनडायरेक्ट। तो बिल्कुल प्रीवियस लेसन की तरह मैंने फिर से यहां पर कॉलम बना दिया है। अब यहां पर माइंड कीजिएगा, डायरेक्ट यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपको विल मिल जाए तो इस विल को हमें क्या करना होगा, वुड करना होगा। और अगर आपको विल भी लिखा हुआ मिलता तो इस विल भी को हमें क्या कर देना होगा, वुड भी। अगर यहां पर विल हैव लिख के आ जाए तो इस विल हैव को हमें क्या कर देना होगा, वुड हैव। अगर हमें विल हैव बीन लिख के मिलता, विल हैव बीन, तो इस विल हैव बीन को हमें क्या कर देना होता, वुड हैव बीन। और इसी तरीके से अगर बात सेल की हो जाए, ध्यान दीजिए कि अगर यहां पर लिखा होता क्या, सेल, तो हमें सेल को क्या कर देना होगा, शुड। और अगर हमें सेल भी लिखा हुआ मिलता तो सेल भी को हम लोग क्या कर देते, शुड बी। इसी तरीके से अगर यहां पर सेल हैव होता तो सेल हैव को हमें क्या कर देना होता, शुड हैव में बदलना होता, एस एच ओ यू एल डी, शुड, और उसके बाद क्या, हैव। और अगर यहां पर सेल हैव बीन होता, शैल हैव बीन, तो सेल हैव बीन को हम लोग किससे बदल देंगे, should have been। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि will को would में और shall को should में बदलना है। जैसे will का would कर दिया तो will be का क्या हो जाएगा, would be, will have का would have, will have been का would have been, shall का should, shall be का should be, shall have का should have, और shall have been का क्या हो जाएगा, should have been। तो आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि will का would और shall का should। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर will आएगा तो would कर देंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहली बात तो ये कि आप इस टेबल को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि विल का हमें क्या करना होगा, वुड। अब मैं इसे इरेज करता हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए जहां पर सेंटेंस को बनाया जाएगा। अब फ्रेंड्स, एग्जांपल के पहले मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने बात ग्रामर की होती तो हमें यहां पर देखना होगा कि आई और वी के साथ जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, सेल का यूज करते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट बच गए, जैसे हमारे पास क्या क्या बचा, ही, सी, इट, किसी का नाम या फिर यू, और क्या बचा हमारे पास, दी, तो आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सेल का यूज करते हैं। और बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी इन सारे सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना होता है, विल का यूज करना होता है। तो आई और बी के साथ तो सेल लगता है, लेकिन बचे हुए सारे सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना होता है, विल का यूज करना होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करनी है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपसे कहा होता कि सी सैड टू मी, और उसके बाद उसने क्या कहा कि आई सेल सिंग अ सॉन्ग। अब चूंकि आई है तो आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा, सेल। तो सेंटेंस क्या हमारे पास कि सी सेल टू मी आई सेल सिंग अ सॉन्ग। तो ये हो गई हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा इसमें ऐड किया गया है।
अब हमें करना है क्या है कि इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रिकॉर्डिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना है जो कि हमारा क्या था सी। अब इस सेट टू को हमें क्या करना होगा, टोल्ड में बदलना होगा, फिर ऑब्जेक्ट को कॉपी कर देना है। तो सेंटेंस क्या बनने जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा मैंने, सी टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए क्या लगा दें हम लोग यहाँ पर दैट। अब इस आई का रिलेशन अगर हम बनाएंगे तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि लड़की ने कहा था कि आई शैल सिंग द सॉन्ग, यानी मैं गाना गाऊंगी, तो गाना कौन गाएगा, ये लड़की। अब इस दैट के बाद हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, सी, क्योंकि आई का रिलेशन सी से बना था। अब यहाँ पर देखिए कि सी के साथ हमें क्या लगाना होता है, विल। तो मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि ऊपर सेल लिख के आएगा तो सेल को आप शिफ्ट कर दो। यहाँ पर सब्जेक्ट को बदलने के बाद, यानी दैट के बाद आप जो सब्जेक्ट लिख रहे हो उसको माइंड करो, अगर उसके साथ विल लगता है तो विल का वुड लगा लो आप, और अगर सेल लगता होगा तो क्या लगाना होगा, शुड। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, शी वुड सिंग अ सॉन्ग, बस हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मैंने आपसे कहा होता सी सेड टू मी आई शैल बी डांसिंग, अगर उसने ऐसा सेंटेंस कह दिया तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है कहां का हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, और यहां पर क्या यूज किया गया है, शैल बी डांसिंग। तो यहां पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि सी टोल्ड मी दैट, बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल वैसी है, बस यहाँ पर शैल बी को हटा दिया जाएगा और शैल बी की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वुड बी, और डांसिंग तो हमें कॉपी ही करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, सी टोल्ड मी दैट शी वुड बी डांसिंग। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर किसी सेंटेंस को मैं ऐसा बोलता कि सी सेड टू मी यू विल हैव कुक्ड फूड, तो सेंटेंस हमारा कहां का हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। अब इसको देखिएगा क्या होगा, सी टोल्ड मी दैट, अब इस यू का रिलेशन बनाइए तो यू का रिलेशन हमारा किससे बनेगा, मी से। तो मी का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई, और आई के साथ देखिए क्या लगाना पड़ता है हमें, सेल। तो अब हमें क्या रखना होगा, शुड है, क्यों, क्योंकि सेल का क्या करना पड़ेगा, हमें शुड करना पड़ेगा। भले ही यहाँ पर विल था, विल क्यों लगाया गया था, क्योंकि यू के साथ तो विल लगता है, लेकिन जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वो क्या हो गया हमारा, आई हो गया, और आई के साथ क्या लगाते हैं, सेल, और शैल का हमें क्या करना होगा यहाँ पर, शुड। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई शुड हैव कुक्ड फूड। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियोस को वॉच करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।